हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। आज की तारीख है हमारी 9 अक्टूबर, तो हम इसमें यानी कि कल यानी 8 अक्टूबर का करंट अफेयर्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा जितना भी कल का हमारा करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, और आप सीधे टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो @AmanTrivedi, आपको वहां से भी इसके पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीडीएफ में आपको ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वीडियो पढ़ने के 2-3 घंटे बाद मिलती है, बट आप कल की पीडीएफ आज डाउनलोड कर सकते हैं और उनके नोट्स प्रॉपर आप मेंटेन करते हुए रह सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा बहुत शेयर कीजिएगा जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि अभी बहुत ही नया है और मैंने अभी अभी शुरू किया हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, II में आप लगाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। शुरू करेंगे आज की बातचीत और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका करंट अफेयर्स, जैसा मैंने बताया। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि हु हैज वन द बिड फॉर एयर इंडिया, यानी कि अब एयर इंडिया किसकी हो गई है। ऑप्शंस हैं आपके रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा सन्स या फिर इंडिगो। तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है आपके टाटा सन्स। तो जो आपकी एयर इंडिया है अब वापस से टाटा सन्स की हो गई है। पहले 1953 में पहले टाटा की ही थी एयर इंडिया और उसको भारत सरकार ने अधिग्रहित किया था और वापस से ये एयर इंडिया टाटा सन्स के पास ही चली गई है। ठीक है, देखिए ये कंपनियां बेची क्यों जाती हैं, तो ऑल द पॉलिटिक्स असाइड, कंपनियों के बेचने का सरकार का कारण ये होता है कि देखिए जो सरकारी कंपनी है, मान लीजिए एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया रन करती है हमारे पैसे से, हमारे पर्सनल लोगों के पैसे से, यानी कि हमारे टैक्स के पैसे से। हम टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के पैसे से ये सारी चीजें चलती हैं। अब एयर इंडिया का काम है बिजनेस लाना, लेकिन अगर उसमें घाटा हो रहा है तो सरकार के लिए तो वो तो घाटे का सौदा है, क्योंकि एयर इंडिया सरकार नहीं इसे चला पा रही है। तो इसलिए सरकार ने इसे टाटा सन्स को बेच दिया, उसे आपको एयर इंडिया को पैसे भी मिल गए, उनका सारा लोन भी चुकता हो जाएगा और इसी बहाने हो सकता है टाटा सन्स उसे बेहतर चला लें और उसमें प्रॉफिट निकालने लगे। तो इसलिए ये आपकी एयर इंडिया सरकार ने बेची है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला सवाल हमारा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है। ठीक है, ये 2021 का नोबेल प्राइज, पीस प्राइज किसने जीता है। ऑप्शंस हैं आपके बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन का, सुकोरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन ने, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव ने, एंड ऑप्शन डी है अब्दुल रजाक गुरना ने। तो हमने कल एक नाम पढ़ा था अब्दुल रजाक गुरना, इन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर का जीता हुआ है, और जो आपका नोबेल शांति पुरस्कार है वो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने जीता है। ठीक है, शी इज मारिया रेसा और ये हैं दिमित्री मुरातोव, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है। नोबेल पीस प्राइज की खास बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज ओस्लो नॉर्वे से अनाउंस होता है। ठीक है, बाकी के जो हमारे 5 प्राइज हैं वो स्वीडन से अनाउंस होते हैं, लेकिन ये जो प्राइज है आपका ये ओस्लो नॉर्वे से अनाउंस होता है, ये स्वीडन से अनाउंस नहीं होता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो इसकी ये खास बात है, मैं नोबेल प्राइज पे अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ हम नोबेल प्राइज की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे नोबेल पीस प्राइज 2021 का किसे मिला है, तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को ये प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को किस लिए ये प्राइज मिला है, फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझिएगा। एक्चुअली ये दोनों ही लोग जर्नलिस्ट हैं, शी इज फ्रॉम फिलीपींस और ये रशिया से हैं। ये रैपलर नाम की एक वेबसाइट चलाती हैं और ये एक अखबार चलाते हैं, गजेटा नाम से एक अखबार है वो चलाते हैं रशिया में ये, और इन्होंने मतलब जो एक तरीके का अच्छा जर्नलिज्म किया है उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, कि इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे बचाने के लिए इन्हें ये पीस प्राइज मिला है। क्योंकि नोबेल प्राइज का नावेनिय नोबेल कमेटी का कहना है कि जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और शांति बरकरार रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है, सबसे आवश्यक वस्तु है, सबसे आवश्यक फीचर है, इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है।
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए इन्हें ये प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, मारिया रेशा जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको बताया फिलीपींस से हैं ये। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। वहां के प्रेसिडेंट हैं इस समय रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ठीक है, करेंसी फिलीपींस की क्या है? फिलिपिनो पैसो है। फिलीपींस की करेंसी है फिलिपिनो पैसो। और वहां के को फाउंडर कौन है? को फाउंडर है आपके, सॉरी ये को फाउंडर है किसकी? रैपलर नामक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है उसकी, ये आपकी को फाउंडर है। ठीक है, मैंने आपको बताया इन्हें क्यों प्राइज मिला है। प्राइज फॉर दियर फाइट्स टू फ्रीडम, टू डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द फिलीपींस एंड रशिया। तो मारिया रेशा मैंने बताया ये पत्रकार हैं, फिलीपींस में देश से हैं, मनीला वहां की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस की मुद्रा है फिलिपिनो पैसा। और ये रैपर नामक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट की संस्थापक हैं, सह संस्थापक हैं, इसीलिए उन्हें ये प्राइज मिला है। और फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को की रक्षा के लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। दूसरा नाम है हमारा दिमित्री मुर्तोव। तो दिमित्री मुर्तोव जर्नलिस्ट हैं, इन्हें ये रशिया से हैं और मॉस्को कैपिटल है रशिया की। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। देखिए ये मैंने सप्लीमेंट्री पॉइंट्स ऐड किए हैं इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी देश का नाम पढ़ रहे हैं तो वहां की कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम जरूर से याद रखें, क्योंकि वो हमें रीजनिंग में भी, एनालॉजी के सवाल में पूछा जा सकता है और इन जनरल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे ना तो याद होता रहेगा। मान लीजिए कल फिर रशिया का नाम आता है, मैं फिर आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको याद होता रहेगा वो चीज़। ठीक है, ये नोवाया गजेटा नाम का अखबार है, उसके को फाउंडर हैं और इन्हें भी प्राइज उसी लिए मिला है, फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें ये प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए अगली बात है हमारी कि विच ईयर डिड मदर टेरेसा विन द नोबेल पीस प्राइज। ये उसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला था। तो मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज है वो 1979 में मिला था। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल है कि इनमें से किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। ऑप्शन है अमर सेन, अभिजीत बनर्जी, हरगोविंद खुराना या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो इसमें से अमर सेन को प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स के मिला था, लास्ट ईयर ही मिला था, और हरगोविंद खुराना को फिजिक्स के लिए मिला था, और कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफ जई के साथ में शांति पुरस्कार मिला था। तो आप नाम ध्यान रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है भारत से। अगला नाम है हमारा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम कि मैं क्यों पूछ रहा हूं करंट अफेयर्स में उसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो डेनमार्क की प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, एंजेला मार्केल, जेकिंडा आर्डेम या फिर शेख हसीना। क्या नाम है डेनमार्क की प्रेसिडेंट का? तो आंसर है हमारा, डेनमार्क की प्रेसिडेंट का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन एंड शी इज द लेडी। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रेसिडेंट है। ये आवश्यक क्यों है करंट अफेयर्स में? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क जो है मेटे फ्रेडरिक्सन, वो भारत आने वाली हैं 3 दिन की यात्रा पे अक्टूबर 9 को। तो 9 अक्टूबर को भारत आने वाली हैं 3 दिन की यात्रा पे। फ्रेडरिक्सन विल बी मीटिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड होल्डिंग बायलेटरल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आपके रामनाथ कोविंद से मिलेंगी और पीएम मोदी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। और ये वार्ता किस पर होगी? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो ये 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रेसिडेंट हैं, भारत आ रही हैं 3 दिन की यात्रा पे। तो डेनमार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप में बात करें तो डेनमार्क कहां पर दिखता है? तो मैप में अगर आप देखोगे तो आपको डेनमार्क में दिखेगा कुछ यहां पर, ये देखिए ये आपको डेनमार्क दिख रहा है। ठीक है, और यहां की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन यहां की कैपिटल है। आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द डेनमार्क। ठीक है, ये आपका डेनमार्क है। अगर आप इसको छोटा करेंगे तो आपको पूरा मैप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डेनमार्क पड़ता है। हमारा इंडिया है आपका, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, इसके और ऊपर आएंगे टर्की, इधर इटली है, उसके अलावा फ्रांस है, इसके अलावा यहाँ पर आपका ये यूनाइटेड किंगडम है यानी इंग्लैंड हो जाता है, और डेनमार्क आपका यहाँ पे आएगा। और इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और डेनमार्क के जस्ट ऊपर नॉर्वे है, और नॉर्वे के जस्ट बगल में स्वीडन है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आवश्यक जानकारी रहती है आपको नाम और उनके और आपका याद होगा आपको मनी हाइस्ट में एक कैरेक्टर भी है हेलसिंकी, तो हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, एस्टोनिया की कैपिटल है, कैपिटल है टैलिन। कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड की, और उसका बेस्ट तरीका यह है कि वर्ल्ड मैप अगर बार बार आप देखते रहोगे तो आपको कैपिटल्स याद रहेंगी। ठीक है, मैंने ये वर्ल्ड मैप इसीलिए आपको दिखाया है कि जब डेनमार्क के प्रेसिडेंट की बात हो तो आपके दिमाग में छपा है कि डेनमार्क कहाँ पे है, डेनमार्क कहाँ पे है ये याद है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम वहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और अगर बात करें कि डेनमार्क की करेंसी क्या है, तो डैनिश क्रोन, क्रोन वहाँ पे करेंसी चलती है, डैनिश क्रोन जो है वहाँ की आपकी करेंसी है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन कवच कुंडल, मिशन कवच कुंडल किस राज्य ने लॉ लागू किया है। तो मिशन कवच कुंडल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर महाराष्ट्र ने लागू किया है। तो आंसर हमारा हो जाता है आपका इसमें महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र ने मिशन कवच कुंडल लागू किया है। ठीक है, किससे रिलेटेड है मिशन कवच कुंडल, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 अक्टूबर को कवच कुंडल नामक मिशन लागू किया है, और ये COVID-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, विद एन एम टू इनोकुलेट मतलब होता है वैक्सीन लगाना, 215 लाख पीपल एवरी डे, यानी कि उन्होंने टारगेट रखा है कि डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो मिशन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स टारगेट टू अचीव 100 करोड़ वैक्सीनेशन बाय अक्टूबर 15। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, उसी के तहत इन्होंने ये मिशन कवच कुंडल लागू किया है, लॉन्च किया है, जिसमें वो लगभग डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का नाम है राजेश टोपे, और उन्होंने ये अनाउंस किया है, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का नाम है राजेश टोपे। और कल मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, इंडियन यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो उनका नाम है मनसुख मांडविया, ये काफी चर्चा में रहे थे जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को हर दिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के उद्देश्य से मिशन कवच कुंडल लागू किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में भाग लेने की घोषणा की है। तो कौन सी वोमेन्स हॉकी टीम FIH प्रो लीग में भाग लेने वाली है, ऑप्शन है आपके स्पेन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ANP। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ANP, यानी कि स्पेन और इंडिया दोनों ही टीम के देश के हॉकी संघ ने ये घोषणा की है कि वो लोग FIH प्रो लीग में हिस्सा लेंगी, उनकी महिला टीम भी हिस्सा लेंगी, अभी तक पुरुष टीम हिस्सा ले रही थी हमारी, तो महिला टीम भी हिस्सा लेगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उन्होंने 8 अक्टूबर को अनाउंस किया कि वुमेन्स नेशनल टीम्स ऑफ इंडिया विल ज्वाइन द FIH हॉकी प्रो लीग फॉर सीजन 3 विच इज स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 13, 2021। स्पेन विल ऑल्सो भी ज्वाइनिंग द लीग, यानी इंडिया और स्पेन भाग लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम हिस्सा नहीं लेने वाली हैं, उन्होंने कोविड के कारणों से हिस्सा लेने से मना कर दिया है, तो इसलिए भारत और स्पेन की टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर। इनमें से किस भारतीय ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है, तो इसमें आप मतलब तुक्का भी लगाओगे तो सही बैठ जाएगा। ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला या फिर लक्ष्मी मित्तल। तो आंसर इसमें हमारा क्या है, मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन फोर्ब्स रिच में था। तो अगर हम दुनिया की बात करें कि वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट 2021 फोर्ब्स ने जारी की है, तो उसमें नंबर वन पे हैं हमारे जेफ बेजोस चाचा। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं, आप सभी को मालूम है। सेकंड नंबर पे हैं इलॉन मस्क, ये स्पेसएक्स और टेस्ला और तमाम सारी वजहों से चर्चा में रहते हैं, एंड ही इज द मोस्ट इनोवेटिव काइंड ऑफ पर्सन राइट नाउ। इसके अलावा बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, ये आपके फ्रेंच बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा बिल गेट्स हैं, उनको कौन नहीं जानता। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मालिक। वॉरेन बुफे, ये एक तरीके के इन्वेस्टर हैं, और बार्कलेज बार्कशायर नाम से इनकी कंपनी चलती है। लैरी एलिसन हैं, इसके अलावा लैरी पेज हैं और सर्जी ब्रिन। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दोनों ही गूगल के संस्थापक हैं, और इसके अलावा मुकेश अंबानी जो हैं दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड बिलियनियर्स में शामिल हुए हैं 2021 की लिस्ट में। ठीक है, तो ये टॉप 10 है दुनिया में, और भारत के टॉप 10 की बात करें तो हमारे नंबर वन पे हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। सेकंड नंबर पे हैं गौतम अडानी, अडानी पोर्ट्स और सेज चलाते हैं। थर्ड नंबर पे हैं शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजी वाले। फोर्थ नंबर पे हैं राधा किशन दमानी, आप लोगों ने हर्षद मेहता सीरीज शायद देखी, हर्षद मेहता जो स्कैम 1992 आई थी उसमें जैसे एक हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो है राकेश झुंझुनवाला। दूसरे जो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर इंडिया के हैं, स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, वो है राधा किशन धमानी। तो राधा किशन धमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मालिक भी हैं और ये शेयर मार्केट में पैसा भी लगाते हैं।
तो ये फोर्थ नंबर पे हैं, फिफ्थ नंबर पे साइरस पूनावाला सीरस सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, सिक्स नंबर पे लक्ष्मी मित्तल हैं, सेवन्थ नंबर पे सावित्री जिंदल हैं जिंदल ग्रुप के मालिक, एट्थ ग्रुप पे उदय कोटक हैं कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक, नाइन्थ नंबर पे हैं पलोनजी मिस्त्री शपूर जी पलोनजी ग्रुप है इनका, और टेंथ नंबर पे हैं कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक। तो ये आपकी टॉप 10 लिस्ट है हमारे इंडिया के रिचेस्ट की, और इसमें नए लोग टोटल 100 लोगों के लिस्ट ये निकालते हैं, तो इसमें कुछ नए नाम शामिल हुए हैं वो भी थोड़ा सा एक बारी जरूर देख लेते हैं। तो 57th नंबर पे इंदर जयसिंघानी पॉलीकैब वायर जो आ रहा है पॉलीकैब इंडिया के मालिक हैं ये शामिल हुए हैं नए हैं। 87th नंबर पे अरविंद लाल हैं ये डॉक्टर लाल पैथलैब्स के मालिक हैं ये शामिल हुए हैं। इसके अलावा 93rd नंबर पे अशोक बूब हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं ये शामिल हुए हैं, और 97th नंबर पे दीपक मेहता हैं दीपक नाइट्राइट नाम से कंपनी चलाते हैं ये शामिल हुए हैं, और कुछ 99th नंबर पे बजरंग लाल तपारिया सुप्रीम इंडस्ट्रीज के हैं ये शामिल हैं, और 100th नंबर पे योगेश कोठारी एल्काइल एमाइंस केमिकल्स नाम से इनकी कंपनी है ये शामिल हुए हैं। तो ये कुछ नए नाम हैं जो शामिल हुए हैं आपके टॉप 100 में, और इस लिस्ट में टॉप 10 में हमारे नंबर 1 पे मुकेश अंबानी है, वर्ल्ड में जेफ बेजोस हैं, ये नाम आपको मैंने बताया। थोड़ा सा इनको आप नज़र बना के रखोगे तो याद रहेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटेन्ड रियल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच फॉर FY 2021 एंड 22 2021-22 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कितने दर पर बरकरार रखा है। तो जीडीपी की इन्होंने क्या रो प्रोजेक्शन की है, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये आंसर है 9.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9.5% पर इन्होंने जीडीपी को रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके 9.5% रखा है जीडीपी को। इसके अलावा आज आरबीआई की मीटिंग थी तो कई सारे अनाउंसमेंट्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आरबीआई हैज रिटेन्ड पॉलिसी रेपो रेट एट हाउ मच परसेंटेज, तो आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पे बरकरार रखा है। ऑप्शन है 3.35%, 4%, 4.25% या 4.5%। रेपो रेट को कितने पे बरकरार रखा है, तो रेपो रेट अनचेंज रही है इस बार भी, आठवीं बार भी, और 4% पे इन्होंने रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा है 4% पे, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो दर होती है जिसपे सेंट्रल बैंक अपना पैसा उधार देती है बैंकों को, कि आप ये शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जब पैसा उधार देती है तो वो रेपो रेट है, और जिस दर पे उनको देती है, यानी कि मान लीजिए ये आरबीआई है और ये एसबीआई है, तो आरबीआई अगर 100 रुपया इनको देगी तो वो 4% पे देगी, और एसबीआई अपना पैसा इनके पास 100 रुपये रखेगी तो वो 3.34% का ही इंटरेस्ट उस पर देंगे। तो रिवर्स रेपो है 3.35% और रेपो रेट है 4%। The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India maintained the status quo on the interest rates for the 8th consecutive time, 8वीं बार भी सेम रहा, और RBI के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने अनाउंस किए हैं रेपो रेट अनचेंज रही है 4% पे और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। RBI ने ग्रोथ टारगेट भी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए रखा है 9.5% जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लोगों को हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया जीडीपी टू रिमेन इन FY 2021-22 विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी कितनी रहने वाली है, तो ऑप्शन हैं 10%, 9.30%, 8.30% या फिर 7.50%। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8.30। तो अभी हमने पढ़ा कि आरबीआई ने कितनी प्रोजेक्ट की है, आरबीआई ने 9.5% प्रोजेक्ट की है, और वर्ल्ड बैंक ने कितनी प्रोजेक्ट की है, वर्ल्ड बैंक ने 8.30 प्रोजेक्ट की है, ठीक है। तो विश्व बैंक के अनुसार जो जीडीपी है वो 8.30 रहने वाली है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8.30, आरबीआई के अनुसार 9.50, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजा चारी टू कमांड नासाज स्पेसएक्स क्रू मिशन। इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको पूरा फैक्ट बताया कि ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं राजा चारी, जिन्हें नासा के स्पेसएक्स के क्रू 3 मिशन के लिए, स्पेसएक्स ये टेस्ला वालों का ही है, जो इलॉन मस्क का भी हमने नाम पढ़ा था उन्हीं का है। तो स्पेसएक्स का जो नासा और स्पेसएक्स का क्रू 3 मिशन है, इसमें एस्ट्रोनॉट राजा चारी जाने वाले हैं, उसकी कमान संभालने वाले हैं। तो नासा का जो 3rd मिशन है इसमें एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, 3 नासा के एस्ट्रोनॉट, उसमें से एक राजा चारी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, टॉम मार्सबर्न हैं और कायला बैरन हैं,
ठीक है, ये लोग जाने वाले हैं आईएसएस सपोर्ट अ क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नेम्ड एंड्यूरेंस। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो चीफ। इसका मैंने, ये तो कहोगे स्टैटिक का है, ये मैंने करंट अफेयर्स में क्यों डाला उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो इसरो चीफ का नाम हमारा क्या है, इसरो चीफ का नाम है के सिवान। के सिवान जो है वो हमारे इसरो चीफ हैं, और इनका नाम मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि इसरो ने हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक रिसीव किया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे बड़ा हैवीएस्ट सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक रिसीव किया है HAL से, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर चर्चा में लाया। और इसरो के जो फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई, 1969 में फाउंड किया गया था, और इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड HAC, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो HAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें भारत ने हाल में शामिल हुआ है, तो इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, टू हेल्प वर्ल्ड रिड्यूस पॉवर्टी, या फिर टू प्रोटेक्ट 30% by 30% यानी कि 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाई 2030। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर, जबकि 2030 तक विश्व की भूमि और महासागर का 30% बचाना, ये इसका लक्ष्य है। तो HAL क्या है आपका, ये HAC इज अ ग्रुप, हाई एम्बिशन कोएलिशन एक ग्रुप है जो कि 70 नेशंस का है। द अडॉप्शन ऑफ द ग्लोबल गोल टू प्रोटेक्ट 30% by 30% यानी 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाई 2030, ये इसका लक्ष्य है HAC। HAC क्या है आपका, HAC है हाई एम्बिशन कोएलिशन। ठीक है, हाई एम्बिशन कोएलिशन, इसमें भारत ने हिस्सा लिया है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो होती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भारत के इस समय कौन है, भूपेंद्र यादव, इनका नाम याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव इस समय हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो एयरफोर्स डे, आज हमारी तारीख थी 8 अक्टूबर कल, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे आपका मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत का जो एयरफोर्स है वो 8 अक्टूबर को ही संस्थापित किया गया था, फाउंड किया गया था 1932 में, उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, और हमने इस वक्त 89th एयरफोर्स डे मनाया है। और भारत के एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दूसरे शॉर्ट्स में मैंने उनका नाम बताया हुआ है, जो यूट्यूब पे ही मैंने डाला था उसमें मैंने उनका नाम बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एयर चीफ मार्शल का नेम बताएंगे। कई लोगों ने कल के कमेंट में लिखा कि कई सारे ज़्यादा सवाल पूछ दिए, तो आज मैंने सिर्फ एक ही सवाल अभी तक पूछा है, एयर चीफ मार्शल का नाम बताइएगा, बाकी मैंने सारी जानकारी खुद से आपको दे दी है। ठीक है, फिलहाल तो नाम भी आपको दिख गया। अगला सवाल है, मुद्रा टूलबॉक्स किससे रिलेटेड है। ये काफी आवश्यक क्वेश्चन है कि मुद्रा टूलबॉक्स किससे रिलेटेड है। तो मुद्रा टूलबॉक्स ऑप्शन है आपके लोन स्कीम है, MSME, या फिर लघु और मध्यम वर्ग उद्योग से, डिमेंशिया रिसर्च से, या कोरोना वैक्सीनेशन से। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर इस सवाल का है आपका डिमेंशिया रिसर्च। तो मुद्रा स्कीम जो है, मुद्रा टूलबॉक्स ये लॉन्च किया है अभी सरकार ने, और इसका जो रिलेशन है वो है आपका डिमेंशिया के रिसर्च से। ठीक है, ये मल्टी मुद्रा का फुल फॉर्म है, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 7 अक्टूबर को लॉन्च किया है मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मुद्रा है। तो मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूलबॉक्स जो है, इसमें 5 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। ये टूलबॉक्स लॉन्च किया गया है फॉर अंडरटेकिंग टूलबॉक्स को देश में एक समान मानवीकृत डिमेंशिया अनुसंधान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, इनके आधिकारिक बयान में कहा गया कि टूलबॉक्स में संज्ञान के विभिन्न डोमेन जैसे कि कार्यकारी कार्य, स्मृति, भाषा और नेत्र संबंधी कार्यों का आकलन करने के लिए विभिन्न संज्ञानात्मक परीक्षण शामिल हैं। तो मुद्रा टूलबॉक्स मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट ये लॉन्च किया गया है ICMR के द्वारा, और ICMR के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके डॉक्टर बलराम भार्गव, डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो आंसर है हमारा श्री जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। भूपेश यादव अभी हमने पढ़ा था जिनका नाम, वो आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ठीक है,
कल मैंने टेक्सटाइल मिनिस्टर से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंडियाज टाइज विद, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इंडियन एशियन, इंडिया एशियान, एशियान समिट अलग होती है और इंडिया एशियान समिट हुई हो रही है 7 अक्टूबर को हुई, उसमें भारत ने, इन्होंने बयान दिया है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इंडिया एशियान समिट हुई, जिसमें इंडियन एशियान समिट हुई 7 अक्टूबर को, जिसमें मिनिस्टर जयशंकर ने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा की। इन्होंने कहा, इंडियाज टाइज विद एशियान इज रूटेड इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, सेड एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। इसमें इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी की बात हुई, इन्होंने कहा कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुई है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो मैच्योर हुई है एक्ट ईस्ट में, तो लुक ईस्ट था उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार ने लॉन्च की थी, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हुई। तो इंडिया एशियान समिट ये ऑनलाइन कंडक्ट हुई है और इसमें मिनिस्टर ऑफ जयशंकर ने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, एंड आशा करता हूँ कई लोगों ने पिछले वीडियो में, वीडियो के लंबे होने की बात कही थी, तो आशा करता हूँ वो शिकायत भी यहाँ पे दूर हो गई होगी, वॉइस का इशू भी आई थिंक अब दूर हो गया होगा, और क्वेश्चंस भी इस बार कम पूछे हैं। तो बाकी अगर आपको वीडियो कैसा भी लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके जो भी सजेशंस हो अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधे मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299117042। आपका जो भी सवाल हो या आपका कोई भी सजेशन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पे कमेंट लग के करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।